राम समो नहीं देवता और लक्ष्मण समो नहीं वीर, सीता समो नहीं भारिया, वीर गंग समो नहीं नीर। राम जी जान का तो देवता नोया और सीता जान की सती नोई सी, कर सत्या तोड़े भी बेटी होली या थोड़ा ही भाई सत्या अगर धरती पर न होती तो यह धरती उल्ट पुलट कर देगी, यही कर देती नहीं देती, पर आज की धरती पर आज भी सत्य है सर। सीता जान की सती नोई लेकिन बाद में भी सत्य हुई है, बताओ इस सभा में कितनी सत्य हो सके गणा तो आप। एक सती तो वह हुआ करे जो घर को दनी मर जाए तो उनकी साथ ही सड़ा में पड़ जाए, उन्हें भी सती खेचे। एक सती वह हो जो महाराज घर को दनी बलाई काणू खोड़ो लंगड़ो लूलो कालो गोरो ख्यान को भी हो लेकिन पहलो और आखिरी पति वही। वो कहते ना कि विधवा होकर सुरमो सारे उसने ममता मारी क्या, अरे अपने पति को जहर दे मारे वो पतिव्रता नारी। आज अखबार में आप पढ़ रहे सब देख रहे हैं बात ने कि आज ये माता बिना कोई दूसरा मर्द की साथ लाग और अपना घर का धनी का टुकड़ा करवा रही। मैं आप सबने एक ने भी दोषी नहीं बता रहे लेकिन आप भी पढ़ोग न पढ़ो ये चीज जानोग न जानो कि आज आपा भी चूक करिया। यो इंसान तो पहली भी भटक तो भौमरोई हो और आज भी भटक तो भौमरोई है लेकिन निभानो आपा नहीं पड़ो। मोटियार के निभाबा की गारंटी कौन है साहब, क्योंकि मोटियार ने तो बाढ़ने जानू भी पड़े कमार लेनू भी पड़े गंदा बुरा आछा लोगा में उठ बैठ करनी भी पड़े लेकिन सती धर्म तो आपा नहीं निभानी पड़े। लक्ष्मण जान को वीर न होयो और गंगा जान को नीर न होयो। तो साहब आपनो जन्म हो तो क्यान का गांव में हो, आपनी माँ हो तो क्यान की हो, अपना पिताजी हो तो क्यान का हो, अपना भाई हो तो क्यान का और या औलाद हो तो क्यान की। सुनना बड़े प्यार से, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। हे भगवान जन्म दे तो अयोध्या जानकी नगरी में जन्म दी, मारो परिवार मारो कुटुंब हो तो रघुकुल जान को कुटुंब हो और अगर मारे घरे कोई का पग पड़े तो वे परमात्मा का पग पड़े। सुबह उठ घर के बाहर ने झाड़ू खुनकुन लगाओ देगा बताओ, जो अपना घर के बारे पूरा मकान की बराबर सफाई करे। आदि प्रदी का एक रहेगा मायनु कचरो खाड़ती सड़क पर दोनी अड़ी जाकर सट गई फिर अल्लू कोई नहीं देख रहे हो घर के बाहर सर का उन्हें रोड पर चलो मारी कोई जिम्मेदारी नहीं पूरा रोड पर। मेरे सजनों आप समझो शबरी माता 2 किलोमीटर तक अपना घर का गेला ने बुआर आती, क्यों? क्योंकि बिने ध्यान हो एक दिन मारा भगवान आवेला और मारा भगवान अगर गेलो गंदो मिल गयो तो मारा भगवान पाछा ही चला जाए। आज भी ये माता बिना अपना घर के बारे झाड़ू ज्यू लगावे कि हो सके परमात्मा आवे और मारा घर के बारे गंदगी मिल जाओ तो मारा भगवान कोई पड़ोसी के चले जाए। सजना अपना घर के बारे जड़ा तक आपको पिलोट है ज्यादा मत काटो लेकिन घर के जड़ा तक आप 30x30 को जत्तो भी पिलोट है वो पिलोट पिलोट की बराबर तो काटो ही ना।
निकालया करो पतो नहीं कद भगवान आ जावर था कहो रूस और चलिया जाओ। यही अपनी सभ्यता जी औरत का घर के बारे कचरो कूड़ो करकट घर को पड़ियो। देखो बारह आ जाओ जी की बात कौन है, भी घर की हालत दरिद्रता हमेशा निवास करेगी, यो वास्तु शास्त्र कहता है। अपना घर को कचरो अगर घर के बारे पड़ियो रह गयो तो यान मान लीजिए घर में कदे ही सह बरगत न हो। यो सत्संग इन वास्ते ये बात मैं आपने बता रही हूं, अपना घर में कदे ही बेरू जी की मूछे वाली मूर्ति मत लगा। अगर बेरू जी की तस्वीर कोई दे दे और हाथ में तलवार हो और मूछा तनी हो तो वह तस्वीर नहीं लगानी, क्योंकि बीसियों अपना घर में गुस्सो पैदा हो, कायो सी गुस्सो पैदा हो लो। और अगर सुख चाहो तो अपना घर में एक देवता की दो तस्वीर कदे ही नहीं लगानी। कई बार काय करेगा डी भी गणेश जी रड्डी भी गणेश जी रूडी भी गणेश जी चारू मेरी गणेश जी, एक देवता की एक मूर्ति या एक तस्वीर ही घर में होनी चाहे। अगर एक शु ज्यादा है तो आज तड़के जारी बारे निकाल दी, बारे निकालवा को मतलब ये को ना फेंकनी रोड पर, या तो तलाव में या कुआ में ठंडी कर दीजो या फिर बक्सा में मेल दीजो अखबार में लपेट। बाकी एक घर में एक देवता की एक शु ज्यादा तस्वीर या मूर्ति नोनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो भले कितो ही कमाओ थे था के बचत नो या अजमायड़ी बात। और कदे भी आखिरी बात बता रहे हो, कदे भी लंकाऊ कोई दीवार हो, अपना घर में लंकाऊ कोई दीवार हो तो बी के ऊपर तस्वीर न टांगनी, बी साइड में खड़ो रेर मूर्ति पूजा न कर। ई दिशा में मुंडो कर लियो, ई दिशा में मुंडो कर लियो और ई दिशा में मुंडो कर लियो, लेकिन ई दिशा ने आपा खेवा करने के लिए लंकाओ में नहीं। और ई साइड में मुंडो कर कदे भी रोटी मत न बनानी। कई लोग हैं कि रसोई आड़ी उड़ी तो भी या देख लिया करो कि सूरज भगवान उगे बी साइड में मारो मुंडो हो जद मैं रोटी बनाऊं। ये चीजों को ध्यान रखना, कदे भी ई दिशा में ई दिशा ने भूखी दिशा मानी जाओ, ई दिशा में खड़ी हो रोटी नहीं बनानी। लोग तो अति ध्यान रखे कि ई दिशा में खड़ा हो और बर्तन तक साफ न करे। घर में आजकल शौचालय बनवा दिया, मोदी जी बनवाया कि थे बनवाया कि नरा तो यान का है जो 12,000 को डब्बो खड़ो कर था अपने पर मिले ठीक ठाक हो बला पर बोलो यार गजब होगी। और फिर लेट डब्बा छटक रहे मारे सजना, जो धरती आपने पैदा कर दी अन्न महाराज दे दी और भी धरती ने यो इनाम दे रहा है तो सुबह सुबह ही जा है। एक तरफ तो धरती मां और एक तरफ धरती ना तो रूपाड़ो इनाम, समझना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि जिन्हें मां बोल रहे हैं बी पर गंदगी न करनी। फिर आपा करा के मां का गर्म हो तो चल्ड पीड़ा जाई को, अरे जावा काली तू तो जिन्हें मां के हो जो जी पर तो इनाम दे रहा है आम को पेड़ लगा रहा है। ये बात कड़वी जरूर है महाराज, लेकिन ये बहुत जरूरी है, आपने ध्यान रखना पड़ लो, ये टाबरा ने सिखाना पड़ो। तो नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। मिनी मिनी ताली बजाओ जय हो। नगरी हो रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो।
हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, हो त्याग भरत जैसा, ओ सीता सी नारी हो, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। गुप्तदान क्या बात है, त्याग भरत जैसा। अच्छा भरत कुण को भाई हो, भरत कुण को भाई हो, राम जी को, राम जी को भाई। भरत जी के लिए राम जी ने 14 साल को वनवास लाग्यो, लेकिन भाई या हो तो यान को हो कर राज ने स्वीकारी न करे। नगरी के बाणी झोपड़ी घादर 14 साल बैठे रही हो। भाई भरत जैसा और सीता सी नारी हो, और लवकुश जैसी संतान हमारी हो। आगे बताया देखिए, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी शक्ति और भक्ति हो, और हनुमत के जैसी शक्ति और भक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, और आपके जैसा प्रभु मेरा रघुराई हो, और आपके जैसा प्रभु जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। Yeah.
जन नैया हो, प्रभु आप की वैया हो, ओ मेरा जीवन नैया हो, प्रभु आप की वैया हो, मेरा जीवन नैया हो, प्रभु आप की वैया हो, मेरे सिर पे सदा ही प्रभु आपकी छैया हो, मेरे सिर पे सदा ही प्रभु कृपा की छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। अच्छा कदे कोई ने एहसास हो कि भाई आज तो सपना में राम जी आया? नहीं कदे कोई ने आन ओजों को पड़ियो जाना भक्खे तो बारो ले रहा रहा और था गया और यान आंखें मस्त यान लागे जना राम जी आगे खड़ा हो कदे लागियो आज तक ही नहीं लागियो मन तो तीन चार बार तो लागियो भाई साहब अपने मल्ले को ना बेटा कोई आपने भी गड़ी कदे पड़ियो कोई ना पढ़ लो गड़ी ना पड़ियो नाल दें आओ जे सबनों सपना का मैंने ज्यादा हूं ज्यादा एक सांड भाषा पड़ जाओ जर बागड़ी ना हो। कई बार सपना में यान हो जो भूत भाषा पड़ गई और बागड़ी ना आ रही हो भाई यान की सपना ही ना था दिखे सपनों ही खाली एक ही आवे गई साल तो छोकी तक आ गई जी अब काम बढ़िया बोरिया की बोरिया सरक जाए ना मजो आ जाए देखो आप रजाया सरक रीजे बार दो तरीका बता रही जो आपने कदिया भगवान मिलवा को एहसास हो जावे कि भाई अब तो आप राम जी के बहुत नजदीक आ गया तो दो तरीका याद रह गया कदिया कदिया ओ जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तू मत बजाओ तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा जब संत मिलन हो जाए आज गुरु महाराज विराजमान एक बार तो ताली बजार स्वागत करो आप सब ये प्रेम की वो मूर्तियां है जो आग रूपी राम नाम की तपस्या में तपी है जब संत मिलन हो जाए अगर था को घर को धनी कोई महाराज ने घर लेर आ जावे तो नाराज न होन बाकी ज्यादातर लोग हैं माताराम काई करे कोई महाराज डाडी जटाड़ो और यौन तलक छापा करेड़ो और त्रिशूल हाथ में ले और घर को धनी घर लेर आ जावे तो लुगाई टाइट हो जाए इन्हें क्यों ले आया पड़िया छटे यो काई ध्यान काई कर जरो जादू करो भी हो सके छे इन्हें ले रहे हैं छटे मरोटे ने दिली अब गुर कोदनी परेशान ले भी आया महाराज रोटे नदी तो करे है महाराज की या गति अब देखो आप मना कर दी कि मैं रोटे नदी के तो इन खाड़ दी थी अब खाड़े ख्यान लेर तो खुद बुला रहे हैं अब महाराज अरे भगंती दे दे सुबह सुबह की दूली शाम का ना दूली हाँ शाम तक रुक गए तो मैंने दूली रोटी चलो गर को दड़ी खेती हो साफ चलो सुबह सुबह की तो दे दे ली ना मैं शाम का कोई तरीको लगूंगा सुबह की रोटी कर लिया साहब महाराज जी रोटी जीम लिया घर को धनी भी रोटी जीम लियो अब वो घर का धनी ने यो विचार कि भाई महाराज रोटी खाता यान कहला भाई वाह जुजवान ठीक अब चला लेकिन महाराज तो शेठ हो महाराज तो खाटा पर पसर गया घर की दरानी घर जी के तो खाट दे मैं शाम का नजर थन भूखो सोनी पड़ो मैं नदी रोटी यहां ले रहे थे अब घर को दिनी पैसा बहुत परेशानी आ जाओ जी यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाओ और लुगाई टाइट हो जाए तो हो जाओ जन नरी जो समझ गई ली मन के मन में कहे तो आपने भी बनी थी
कोई बात बन पड़गी। अब साहब शाम की चार बजगी तो ही महाराज हाल को पांच बजे की टेम रोटी बनानी लुगाई इशारा कर रही देख लो घर को दिन रोटी में बैठे तो तैयारी कर कहीं न कर रही आज तो नबड़ खेती ने फैली महाराज ने खाडो। अब गर्गोदड़ी काट नसके साहब वो संत प्रवृत्ति को आदमी जो बड़ा आदमी की इज्जत कर वो जानो तो महाराज वह महाराज गर्गोदड़ी तरीको लगायो माई ने जा के एक काम कर जी टेम रोटी बनावा को और खाबा को टेम आओ तो छोरा ने मार निखना दीजिए और छोरा ने समझाया कि मैं आता यान बोलू ना तू नाराज मत हो तो साहब पांच बजीर छोरा ने खंदा दी जा तो जार छोरो खेबे लगे दादा रोटी खाओ लोग तो दादो कहेंगे जी मैं कोई रागस छू कहीं नहीं मन रागस समझ में लीजिए दो दो टेम रोटियां खाऊंगा मैं है मन कोई रागस समझे जो दो दो टेम रोटियां खाऊंगा भैया एक टेम की पार न पड़े दो दो टेम रखा कोई रागस हो ने जो दो टेम रोटी खाओ महाराज सो जा रहे और पूछ ले ये महाराज खाओ तो पूछ ले महाराज सो जा जब यू रागस को तो आप थोड़े ही ठीक है जजवान अबार तो कहीं जाएगा मैं भी चालू खड़ी ने और फिर खदे आऊ वाला या भी न क्यों बिचारों को नहीं आ जा तो रुको चलो कोई बात कोई पढ़ियो दर्शन दे जाओ वो करो और मैं तो मैं आ जाऊंगा दर्शन करो तो संत मिलन हो जाए किया करे के जाके करे संत पावना आया सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना आज तो आनंद भयो मारे दाता आया पावना बहुत राजी होना चाहे और पल्लो बछार ढोक देनी चाहिए ताकि भी आंचल के महीने लक्ष्मी की बरकत हो तो ओ जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन हो ये दो तरीका आए क्या महाराज मिल जाए और महाराज के साथ साथ मुंडा मुंह निकल जाए राम हाँ पूरो राम ने निकल नहीं जाए राम सुन जब क्रोध किसी पे न आए सभी में तो नजर हरि आए कोई पर गुस्सा ना आवे और सबके मायने भगवान ही नजर आवे लेकिन दुनिया इतनी मतलबी के जिंदो शाप गरे आ जाए तो उमर राम जी नदी गए उमर तेजा जी नदी गए उनके मायने तो लठ बरसावला और वो मरिया शाप की फोटो पर जा लो मारा दूध पी लो काचो जिंदा शाप के लठे की और मरेड़ा शाप ने गिलास भर भर दूध पा लो पियो तो सही कोई जिंदा माँ बाप के आज तक कोई माड़ा पेरा डोक दियो तो बताओ लेकिन मरिया बाद में वही माँ बाप की फोटो पर सब कुछ होगा वही माँ बाप की फोटो पर माला भी पेरावला अगरबत्ती भी लगावला और मावस की मावस खीर भी खुआवला पर खाओ जिंदा नहीं कदिया बना मावस ही खुआ देख पर भाई साहब डोकरा डोकरी यहां नहीं कर बो करे मरडा आजकल छोरा था कहीं मीठी चीज न बड़ो बड़ो करे छोरो के जमा के तो बने थे लेकिन मैं अति की बनाऊंगा बहुत होशियार से बैठा ओ जब क्रोध किसी पे न आए सभी में तो नजर हरि आए सासू भी दिखे तो यान लागे कि राम जी आ जाए सासू दिखे जगह और अग्नि बीदने ने दिखे सासू लेकिन कोई कोई यान मानते लिखे हाँ अम्मा का राम जी सब न तो नरी यान के हाँ अम्मा का राम जी जान रहे जा भोग रहे जो माँ की आत्मा जान मतलब बोली को फर्क एक तो कर जाएगा नहीं माँ का तो राम जी अरे हाँ राम जी छे जी वही जाना जा मैं सभी में तो नजर हरि आए तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा मन वृंदावन को जाए हरि भक्ति में रम जाए अब ये लुगाया ने कोई तीर्थ ले जा रहे देख लीजिए
बद्रीनाथ केदारनाथ माताजी के बरवाड़ा में ले जाजो चाहे इंद्रगढ़ ले जाजो, उठे के बाद माताजी को मतलब भैया चूड़िया ख्यान दियो रे, अरे या माला कत्ता की दियो, तीर्था आ गई तो माताजी को ध्यान करे ने, माताजी का बजरे पर उठे जार भी चूड़िया मूंदड़िया मरगी, भैया चूड़िया ख्यान दियो रे देखा भैया तो दे तो है जाने दे दो है। मन वृंदावन को जाए और वहां हरि भजनों में रम जाए तो इतना समझ लेना प्रभु से मिलन हो। अब एक बार ताली बजाकर गा लेते हैं सभी मिलकर के। ओ जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा अब हरि से मिलन होगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा भाई बुलाई और भगवान आणु पड़ो और जहर ने अमृत करनो पड़ो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कोई शबरी की जान को भाव ले और भोजन करावे तो भगवान भी खावे, बाकी तो गुलगुला खाडिया और दो चार गर्मा गर्म पकौड़ी खाडी, राम जी भी राजी और आत्मा भी राजी। भगवान न खाई एक पकौड़ी भी, थारी सॉरी एक पकौड़ी भी न खाई भगवान, क्योंकि वो पकौड़ी में सबरी आड़ो भाव को ना। भावना से भक्ति होती है मेरी माता बहनों, भावना राखो। भी के बाद थे मंदिर भी मत जाओ, थे सत्संग भी मत जाओ, थे तीर्थ भी मत जाओ, लेकिन मन में भाव यान को राखो के उठत बैठत सोवत गाइए मार्ग चलत हरि हर ध्याई। काल परसों एक महाराज का प्रवचन सुन रहे गुरु महाराज में, तो वे भगवान बताया के भाई भगवान का भजन करवा के लिए मंदिर में जावा की जरूरत कोने, जो खेती कर रहे हो ईमानदारी खेती कर लियो यही भजन है, जो पढ़ाई कर रहे हो वो ईमानदारी पढ़ाई कर लो यही भजन है, और जो फड़ाबा को काम कर रहे हो वो ईमानदारी फड़ा लो वही भजन है, जो ट्रक चला रहे हो ज्यादातर कुवाड़ा में ट्रक यूनियन, जो ट्रक चला रहे हो वो ईमानदारी ट्रक चला लो यही भजन है। पर खड़े जी ईमानदार मन न करो भाई आज चिंता मत, जो रोटियां बना रही है ना वो ईमानदारी बना करकड़ियां बीच है रोटियां बना लियो, बना नाराज हुए रोटियां बना लियो वही भजन है। जो जी जगह मौजूद है जो काम कर रहे हो महाराज उन्हें ईमानदारी प्रेम से कर लियो वही भजन है, बाकी कोई भजन नहीं। थे यान सोचता बोला कि तिलक खाड और घर बार छोड़ जंगल में जार भक्ति करे हूं राम मिले, नहीं महाराज जी काम में आप लाग रहा आज आप अटे बैठे हो भक्ति में बैठे हो ईमानदारी बैठ जाओ प्रेम से बैठ जाओ वही भजन। अगर अटे भी ईमानदारी नहीं रही और यो ही ध्यान रियो कि मरा मैं तो पीलील मर छोरी भाई छाई ना गयो भजन को अड्डे आर भी अगर छाया में ही मरिया ने फाला बीड़िया ने फूक ना की पूरिया ने कोई बात को ना पी लो यार, लेकिन ईमानदारी रखो प्रेम रखो भाव रखो। नाराज मत हो जी, देखो मैं सत्संग ने ई मोड़ पे ले जाबो छरे हो कि आज अपन रात भर कुछ सीख कर जाए जी काम ना आप कर रही हो ईमानदारी कर लो वही भगवान को भजन। तो सभी ताली के साथ में कहना कौन कहता है भगवान खाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सुमात की yeah!